अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के? आज के लेक्चर में मैं आपको स्टॉलर बनाना बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दुपट्टा, फोर साइडेड दुपट्टा कैसे बनता है। तो ये स्टॉलर है, तो ये शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने देखना है कैसे बनता है। इजी है, ये सारा मटेरियल मैंने रखा है। सारे मटेरियल को उठा के मैं उधर ही रख लेती, फिर उठाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे करके वर्टिकल ले लेती हूँ। सारी चीज़ों को इधर रख दिया, इसको बंद कर दिया लेयर को। ठीक हो गया, बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी चीज़ें हैं। ठीक, सबसे पहले हमने एक बॉर्डर लिया, ऐसे इसे हम सेंटर में कर लेंगे स्केल से। ये हो गया ऊपर से भी। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं इधर से। जूम करके देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर नहीं है तो हम ऐसे कर लेंगे। हो गया, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ ये लेयर होगी मर्ज हमारी, छोटा किया, फिर इसकी एक कॉपी ली। ऐसे हो गया, नेक्स्ट हम फिर इसकी कॉपी लेके ऐसे जूम करके देख लेते हैं। ये जो चीज़ है, ठीक, ये ठीक हो गया। इसके बॉर्डर को हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये बॉर्डर अप हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये बॉर्डर हमारा लग गया। कंट्रोल ए, आर्ट ई ए एच के साथ दोनों साइडों पे बॉर्डर लग गया। सेकंड वाला हम बॉर्डर ये चीज़ इधर अभी बाद में लगानी है। दूसरे बॉर्डर को हम देखते हैं कैसा लग रहा है इसके साथ। एक काफ़ी है, इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया, जूम करके देख लेते हैं हम। ठीक, साथ साथ हम लेयर को मर्ज करते जाएंगे ताकि आसानी। ठीक हो गया,
आसानी है इसमें, डिस्टेंस ये भी लगाने के बाद। ये हो गई कंप्लीट। अब हम इस बॉर्डर को करते हैं थोड़ा सा छोटा, ये क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है बॉर्डर। ठीक हो गया छोटा बॉर्डर। अब हम क्या करेंगे, ये लग गया, एडजस्ट हो गया साथ। इधर से देख लेते, ठीक है, जूम करके देखते हैं। ठीक, बॉर्डर दोनों लग गए, सेंटर में फासला रह गया कम। ठीक, अब कंट्रोल है 8EAH के साथ दूसरी साइड भी बॉर्डर लग गया। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा साइज करेंगे और 90 पे लेके जाके ये फ्लावर की तरतीब हम ऐसे सेट करेंगे कि बिल्कुल एक जैसे लगें। ठीक, क्योंकि जैसा ऊपर से फासला है ना उतना इधर से होना चाहिए फ्लावर का। क्योंकि इसकी तरतीब ठीक हो गई तो दोनों साइड पे एक जैसे लगने हैं। साइज इसका छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़े हैं। ठीक, वैसे इन्हें नीचे लेते आ रहे हैं। एक फ्लावर की कमी है इसमें, दुपट्टे, ये इसे पल्लू वाला दुपट्टा भी कहते हैं। ठीक है, इसके सिर्फ दोनों साइडों पे बॉर्डर होता है और सेंटर में थोड़ी सी वर्किंग होती है, और इसकी जो तरतीब है ना दोनों साइडों से पल्लू की इक्वली होती है। हाफ की हमने सेटिंग करके फिर ऊपर फ्लिपिंग करते जाएंगे। ठीक, जैसे कि ये देखें, हाफ पे एक फ्लावर रखा, इस लेयर को हम करते हैं बंद क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ है इधर, कंट्रोल ए 8EAV, ये ऊपर से लगी चीज़। ठीक हो गया, ऐसे हम ये वाली लेयर को कंट्रोल ए 8EAV, वी करेंगे वर्टिकल जाएंगे और एच करेंगे तो ये हॉरिजेंटल जाएगी। ये जब चीज़ एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे हम,
इसके बाद ये जो सारे लेयर है ना, इनको कर लेंगे हम मर्ज, ठीक है? वो इसलिए कि लगाने में हमें आसानी हो जाएगी ना, सारी लेयर मर्ज होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, आर्ट ई ए एच, दोनों साइडों से एक जैसी हो गई। ठीक, इस लेयर को हम करते हैं ऑफ। अब क्या करेंगे, ये लेयर की भी नहीं ज़रूरत है, हाँ इस लेयर की ज़रूरत है। इसे हम क्या करेंगे, इधर से हम लगाएंगे इसे इस तरतीब से है कि ये सेंटर में सिर्फ आए, और वैसे हम इसे जैसे कि ये इधर से हमने किया, इसे डिलीट, ठीक हो गया, हो गया डिलीट। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले के कंट्रोल ए आर्ट ई ए एच किया तो ये दूसरी साइड पे भी आ गया, ठीक है? ऐसे हम कंट्रोल जे करके कॉपी इसकी नीचे लेयर को लेते आएंगे। जूम करके भी देख लेंगे कि कोई जो लेयर है ऊपर नीचे तो नहीं है, बिल्कुल इक्वल है ये। ठीक, हो गया, कंट्रोल ई के साथ हमने लेयर को किया मर्ज, और ये लेयर को भी हमने नीचे लेके आना है ताकि इसके नीचे आए। कंट्रोल जे वी, और इस लेयर को नीचे, ये जो पल्लू वाला दुपट्टा होता है ना, ये फोर साइडेड बॉर्डर से इजी होता है, सिर्फ तरतीब सेट करनी होती है इसकी बस। इस लेयर को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे लेयर को, ताकि नीचे से नज़र ना आए, और जूम करके भी देख लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा फ़र्क है अब, ठीक है, कंट्रोल ही मर्ज हो गया, अब नीचे तक बिल्कुल ठीक है, नहीं थोड़ा सा फासला रह गया, वो हम कर लेते हैं अभी। साइज इसका ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। और इसकी एक और कॉपी लेके इसकी सेटिंग ठीक कर लेते हैं, लेयर के ऊपर आए, जूम करके देख लेते हैं। तो ये लेयर के ऊपर लेयर आ गई, ठीक हो गया, कंट्रोल ही मर्ज हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इधर से फासला नज़र आ रहा है इतना, हमने क्या करना है, हाफ को कटिंग करके ना, तो इसकी फ्लिपिंग करनी है, जैसे कि ये हाफ को हमने दोबारा से सिलेक्शन लेते हैं, ये हाफ जो एरिया है ना उसे हमने किया डिलीट, हो गया, कंट्रोल ए आर ई ए एच के साथ दूसरी तरफ की फ्लिपिंग, हो गया, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका इसका लगाना है बॉर्डर,
ये बॉर्डर लग के पैटर्न लगाना है। ग्रिड को हम कर देते हैं बंद। लास्ट में हम न्यू लेयर लेके पैटर्न इधर होगा ये। ओके, पैटर्न पहले से रखा था इधर, ये देखें पैटर्न आ गया। लेकिन पैटर्न की जो वेस्टी है ना वो करेंगे कम, ताकि वो नीचे से नज़र भी आए। लाइट सी ऐसे, ठीक। जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें आ रहा है नज़र जी। कैसा लगा ये आज का हमारा लेक्चर, समझ आई आप लोग को? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।